पुतिन की ग्रह चाल क्या कहती है, क्या व्लादिमीर पुतिन को कोई खतरा है? ये एक महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या व्लादिमीर पुतिन को कोई खतरा है। तो मैं बता दूं कि ग्रहों की चाल को देखते हुए पुतिन साहब की जन्म पत्रिका तुला लग्न की, लग्न में शुक्र, थर्ड हाउस में मंगल, आठवें चंद्रमा, और इस समय गोचर कुटुंब स्थान का केतु पर है। षड्यंत्र होंगे लेकिन उनकी जान को कोई भी खतरा दूर दूर तक नहीं है। और केतु की का यह गोचर उनके सेकंड हाउस में कुटुंब स्थान पर यह गोचर रहेगा 12 अप्रैल 2022 तक, और उसके बाद यही केतु लग्न में आ जाएगा। तो केतु के लग्न में आने के बाद कुछ परिस्थितियां बदलेंगी, लेकिन फिलहाल उनके साथ षड्यंत्र होने की उम्मीद है। पुतिन के साथ धोखाधड़ी और षड्यंत्र हो सकते हैं। और अभी जो केतु जन्म पत्रिका में जिस जगह पे गोचर कर रहा है, उस जगह का स्थानाधिपति, इनको निश्चित रूप से केतु के प्रकोप से बचाएगा। और स्थानाधिपति जो है वो इस चाल को पुतिन को षड्यंत्रों से बचाएगी। खर्चे बढ़ेंगे लेकिन षड्यंत्रों से बचेंगे, भाग्य साथ देगा, खर्चे बढ़ेंगे। और यही रही बात युद्ध की ग्रह चाल की, तो नाटो ने युद्ध में शामिल ना होने की घोषणा की थी, लेकिन बता दूं ये घोषणा बिल्कुल भी झूठी है। इस घोषणा में कोई तत्व नहीं है। ये प्रत्यक्ष रूप से युद्ध में शामिल नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से युद्ध में अवश्य शामिल है। अब देखिए, आज ही यूरोपियन यूनियन कह रही है कि हम उनसे ऑयल नहीं लेंगे, आज ही अमेरिका ने कहा कि हम उनसे ऑयल नहीं लेंगे, यानी वाणिज्यिक संबंधों पर उन पर प्रतिबंध लगाएंगे, यानी चारों तरफ से रशिया को घेरने की कोशिश हो रही है। तो आप क्या युद्ध में भाग नहीं ले रहे हैं? आप युद्ध में प्रत्यक्ष भाग या परोक्ष भाग, भाग तो ले ही रहे हैं। तो नाटो का यह फैसला संशय से भरपूर है। अब ग्रह चाल से समझिए कि युद्ध या परमाणु युद्ध, क्या परमाणु युद्ध होगा? हाँ, तो ग्रह चालों के हिसाब से आपको बता दूं कि परमाणु युद्ध की संभावना केवल 37% है, 37। लेकिन इस परमाणु युद्ध को पुतिन साहब शुरू नहीं करेंगे। ये इस संदर्भ में देखिए, अभी एक अमेरिकन रिसर्च आई है और प्रिंसटन यूनिवर्सिटी ने एक रिसर्च दी है। उस रिसर्च के मुताबिक ब्लैक सी से रूस न्यूक्लियर वॉर छेड़ सकता है। अमेरिकी रिसर्च से ज्योतिष सहमत नहीं है। ब्लैक सी न्यूक्लियर वॉर के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, ब्लैक सी से न्यूक्लियर वॉर शुरू नहीं होगी। और यहां आपको ध्यान से समझने की बात यह है कि अगर परमाणु युद्ध होगा तो वो युद्ध रिएक्शन का युद्ध होगा, एक्शन का युद्ध नहीं होगा। मतलब रूस आत्मरक्षा के लिए, देखिए वो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी की रिसर्च कहती है, बड़े आदर के साथ पूरा सम्मान उस विश्वविद्यालय का करते हुए, बहुत ज्योतिष सहमत नहीं है। मैं इंडिविजुअली तो क्या सहमत असहमत हो सकता हूँ, ये ज्योतिष ग्रहों की चाल सहमत नहीं है इस बात से। पुतिन साहब अपनी तरफ से कोई, वो रिसर्च क्या कहती है कि पुतिन ब्लैक सी में टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का, छोटे परमाणु वेपन का इस्तेमाल करेंगे, उसके जवाब में यूरोपियन यूनियन भी न्यूक्लियर वेपन चलाएगी और तब युद्ध शुरू होगा। वास्तविकता इसके बिल्कुल उल्टी है। ये लोग छेड़ने के लिए न्यूक्लियर वेपन चलाएंगे, ये लोग धमकाने के लिए न्यूक्लियर वेपन चलाएंगे। लेकिन ये बता दूं कि अगर पुतिन साहब वेपन चलाएंगे तो इनकी जन्म पत्रिका और ग्रहों की चाल के मुताबिक ये कोई टैक्टिकल वेपन नहीं चलाएंगे, सीधे परमाणु चलाएंगे और कंट्री को निशाना बनाकर चलाएंगे। और हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि पोलैंड की स्थिति बड़ी संगीन है, इसमें शुक्र और शनि की महादशा और अंतरदशा में संपूर्ण दिवालिया योग बनता है। और पोलैंड की ही धरती वो धरती है जहां से वारसा संधि हुई थी और वहीं से रूस के साथ विश्वासघात की शुरुआत भी हुई। नाटो कंट्रीज ने रूस से कहा कि अगर आप अपनी यूनियन को, एसोसिएशन को आप ब्रेक कर देते हैं तो उन कंट्रीज को अपने साथ नहीं लेंगे, लेती रही और अभी यूक्रेन भी जाने को तैयार खड़ा। तो व्हाट डज इट मीन, धोखा, षड्यंत्र? तो इस तरीके से ये, और अभी देखिए ये चारों तरफ से आज की जो खबरें हैं कि अमेरिका ने भी कहा कि हम उनसे ऑयल सप्लाई नहीं लेंगे, यूरोपियन यूनियन भी कह रहे हैं कि उनसे ऑयल सप्लाई नहीं लेंगे, उनके ऊपर हम और भी तरह तरह के जो है वो फाइनेंशियल
रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज करेंगे, सबका क्या मतलब है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।